तो दोस्तों ये मेरे पीछे सोनी ब्राविया का स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट होने के बावजूद भी इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, यानी वाईफाई की कनेक्टिविटी है लेकिन ब्लूटूथ की नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसे कैसे ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर ये जो हमारा ब्लूटूथ का हेडफोन होता है यानी टीवी का आवाज जो है वो म्यूट करने के बाद हम हमारे ब्लूटूथ ये हेडफोन में कैसे सुन सके, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आपको नॉन ब्लूटूथ टीवी को ब्लूटूथ में कनेक्ट करने के लिए आपको इस प्रकार का एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप नेट पर सर्च कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे यूएसबी डिवाइस मिल जाएंगे, लेकिन वो ट्रांसमीटर नहीं होते, रिसीवर होते हैं। तो ट्रांसमीटर जो होता है, ठीक है, ये मैंने 700 रुपये में ख़रीदा हुआ है। इसकी जो परचेस की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सीधा इसे परचेस कर सकते हो। तो ये जो है यूएसबी से पावर लेता है और यहाँ पे 3.5 mm जैक है। इसको इस्तेमाल करने के बाद और टीवी को यहाँ पे जो पोर्ट होते हैं, ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला, ये यूएसबी पोर्ट है, यानी ये जो ट्रांसमीटर है ये इस यूएसबी पोर्ट में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, यानी यूएसबी से ये पावर लेगा और ये जो 3.5 mm जैक वाली जो केबल है वो एक यहाँ पे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिए और एक जो छोर है इसका ये यहाँ पे इस रिसीवर में जाएगा, यानी जब टीवी चालू होगी तो ये यूएसबी से यहाँ पे पावर लेगा और ये जो 3.5 mm जैक जो है ऑडियो का यहाँ पे आउटपुट है, इससे इसका जो ऑडियो जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो है ब्लूटूथ रिसीवर हो ट्रांसमीटर हो जाएगा, यानी ट्रांसमीटर कर देगा और जो भी हमारा हेडफोन जैक है ब्लूटूथ का उसमें ये जो है आपका, एक बार आपने जब शुरू कर देते हो आप हेडफोन को तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं टीवी को मैंने अभी खोला हुआ है वीडियो बनाने के लिए, अब इसे मैं फिर से वॉल माउंट कर लेता हूँ और वॉल माउंट करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ब्लूटूथ में इसका आवाज आ जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे टीवी का आवाज भी सुन रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉल्यूम आपको बढ़ाकर सुना दूंगा और यहाँ पे अब मैं ये यहाँ पे म्यूट का जो बटन है ये दबाकर यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो बंद करने वाला हूँ। तो वॉल्यूम बंद हो चुका है, अब मैं इस हेडफोन को यहाँ पे शुरू करूंगा। ठीक है, देखिए हेडफोन शुरू हुआ है, अब ये रेडी टू कनेक्ट कर रहा है और ये अभी कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से। तो दोस्तों आप यहाँ पे आवाज भी सुन सकते हो, ये मेरे हेडफोन जो है मैं यहाँ पे मोबाइल जो है मोबाइल के माइक के पास पकड़ रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ये जो ब्लूटूथ हेडफोन होते हैं इनको आप, अगर आपके टीवी में यहाँ पे ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी न होते हुए भी आप अपने ये इस ब्लूटूथ ट्रांसमीटर की मदद से हेडफोन पर टीवी का आवाज सुन सकते हो।